अप्लाई की मिसेज पीछे नहीं नहीं ऐसा नहीं, अभी सुबह उतर जाएगी तब तुम बढ़ जाना, पहले थोड़ा दूर तो ले लो, तो ज्यादा लंबा तो लेना नहीं है। बाय सर, ये ट्रिप मतलब मेमोरेबल रहे बहुत ज्यादा। बाय बाय बाय। ये हंटर कैप शिकारी आर्मी कैप आर्मी की कैप है और डबल वाली है, एक साइड ग्रीन भी है और एक में पूरा वो आर्मी वाला है। बहुत ही ज्यादा मजा आया भाई। अब हम लोग अक्कलकोट के लिए जा रहे हैं, आज अक्कलकोट के दर्शन होंगे। जंगल ही जंगल है चारों तरफ, पहाड़ियाँ। छोटे मंकी की पूंछ छोटी और बड़े मंकी की पूंछ बड़ी। जे निकाला है मंकी, तुम्हारे ऊपर बैठ गया शुभ। मिली है तो जोड़ा बंदर। खड़े हो
कसा लग्ना दीत म्हणता बाबा हम लोग बाहर आ गए। ए वहाँ पे देखो क्या बना है, पालकी देखो पालकी। तो कौन को पीला लाल उनको भी सुबह तीन लोग बस अक्कलकोट से अब हम लोग आए हैं गाडगापुर में। गाडगापुर भी दत्त भगवान जी का ही है स्थान। गंगा नदी के किनारे जाने का। हाँ यही क्या है मेन ये श्री गुरुदेव दत्त भगवान जी का है ये मंदिर गाडगापुर में, श्री दत्त निर्गण मठ। और क्या क्या चिली खिलाएंगे आप? भाई डाले चल हाथों त्रिवेणी संगम। सब लोग नहा रहे हैं, अब हम लोग नहा तो नहीं रहे हैं, बस उन्होंने गंगा दर्शन कर लिए हैं और पैर कर। ये पंडरपुर से आई है ये नदी और हीमा और
मजा आया शुभम सत्यम लौट रहे हैं घर के लिए और लातूर पहुंच जाएंगे। ये देखो शुभि अपना चेहरे पे क्या लगाए, शुभि ऐसा क्या हो गया है? शुभि को मास्क धूल मिट्टी क्लीनिंग कर रही है। बनानी है और उसमें भी गलत सलत ही दिखाई है, पता नहीं कैसे रही। ये अब अपने घर में आकर के कैसी चैन की राहत। घर पहुंचकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों के बाद कार से बाहर निकले हैं। और घर में आते ही फिर रात के खाने की तैयारी, तो हम लोग बना रहे हैं कढ़ाई पनीर। तो पनीर फ्राइंग पैन में फ्राई करने एक साइड में रखा है और यहाँ कढ़ाई में मसाला भूनना है। वैसे ग्राइंडर जार में एक साथ ही पूरा अदरक लहसुन प्याज सब पूरा भून लिया, और जब तक मसाला भून रहा है यहाँ पनीर फ्राई हो रही है। शिमला मिर्च क्यूब्स कट करके रखे हैं, गाजर, वो पनीर फ्राई होने के बाद उनको भी फ्राई कर लेंगे। और बस आटा गूँथें कि सीधे सीधे रोटी बनाना शुरू। थोड़ा सा टमाटर भी पीस के रख लिया है पेस्ट। और मैंने मतलब 3 दिन के लिए हम लोग बाहर निकले थे एक्चुअली। जब हमारा प्लान था तो हम सिर्फ 3 जो मंदिर दर्शन करना है उसके हिसाब से निकले थे, और इसलिए मैंने ज़्यादा कपड़े रखे ही नहीं, क्योंकि एक बैग में मेरे और शुभ के कपड़े थे, एक में गुप्ता जी और शुभम के। कहीं बाहर जाओ तो ज़्यादा कपड़े लेके जाओ तो ये लोग कहने लगते हैं लो तुम लोग का तो पूरा अलग से एक यही चलता है। तो इसलिए 3 दिन के हिसाब से 3 कपड़े और एक आना और एक जाना 5 कपड़े रखे थे मैंने। इसलिए जो एक कपड़ा सुबह नहा धो के पहन लिया वो दिन भर ही पहने रह गई मैं। और रामगंगा जो हम लोग गए थे रेस्ट हाउस में, वहाँ जाने का हमारा कुछ प्लान ही नहीं था। वहाँ मतलब हमें जाना ही नहीं था, वो तो ऑफिसर्स रेस्ट हाउस है, लेकिन वो सर ने ऐसा प्लान किया, वो हम लोग को लेके गए रामगंगा में, और वो हमारी लिस्ट में था ही नहीं। मतलब हमें जाने का पहले से पता ही नहीं था, यहाँ आने के बाद पता रहा, सरप्राइज़ था वो। मतलब बेबी कहती वो सरप्राइज़ है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ आने के बाद बताया। और हमने 3 ही ड्रेस रखे थे, वही लगातार पहन रही थी मैं इसलिए। और खाने के बाद बच्चों को आइसक्रीम